खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। यहाँ पे मैं मानिकपुर थाना पे खड़ी हूँ और यहाँ पे घटना जो हुई है मनोज कुमार की गला घोट के हत्या की गई है। काफ़ी लोग का कहना है, जब उनकी घर वाले से बात की तो उनका कहना है कि वो तो हमारे दूसरे रिलेशन में जाना था तो वो बाज़ार में कुछ सामान खरीदने गए। जब फोन नहीं लगा तो हम इधर उधर परेशान हो गए और पूरी रात ढूंढे थे भी नहीं मिला। जब हमें सूचना मिली सुबह कि आपके पति का मर्डर हो चुका है, तब हम लोग को जानकारी मिली कि ऐसी घटना हुई। जब मैं मानिकपुर थाना में बड़े साहब से बात करने आए तो वो तो मौके पे नहीं मिले। जब दूसरे मिले छोटे दरोगा दिनेश कुमार, उनका कहना है कि अभी जांच चल रही है और मौके पे अभी हम पीएम पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गए हैं और उनकी रिपोर्ट लिख गई है 3-2 धारा लगी है। तो आपके पति कहाँ गए थे? मेरे पति कहीं नहीं गए थे, बोल रहे थे मैं तैयार हो रही थी, मुझे एक फंक्शन में जाना था अपने ही रिलेशन में। तो बोले कि तैयार हो, मैं 1 बजे तैयार हो रही थी, वो 1-1 बजे निकले, बोल रहे थे बस मैं बाजार से होके आता हूँ, तू जब तक तैयार हो। मैं बोली हाँ ठीक है, वहीं से मुझको एक लिफाफा ले आना, बस हो गया। उसके बाद मैं तैयार हूँ, तैयार होने के बाद इनको कॉल की तो फोन जा रही, घंटी जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी घंटी, मगर फोन नहीं उठ रहा था। पिताजी द्वारा तो अब कोई मार के कहाँ पे मिली है लाश? बरम बाबा के आगे। तो क्या किसी के ऊपर शक है कि कोई ऐसे? मुझे तो कुछ पता नहीं क्योंकि मैं अभी आई, जैसे कभी भाभी चाचा और चाचा नहीं है, कुछ ऐसी बात ही नहीं है क्योंकि लोग को खुद ही फंक्शन में जाना था। सुबह ही आए हैं, मतलब जब आए तो वही फोन मिस कॉल आया, उनके नंबर से मिस कॉल आया, तो जहाँ तुरंत देखी कि उनके फोन से मिस कॉल आया तो तुरंत हम मतलब उसको कॉल करके हम ही उठाए हैं। तो अब वो इंस्पेक्टर बोल रहा हो, लेकिन दो ही शब्द बोला है कि यहाँ बरम बाबा में एक कोई मतलब दुर्घटना हो गई है, तो बस हो गया, मतलब हमें थोड़ा सा हो गया लेकिन उसको संभाले थे, बस यही है। गए तब पता चला वहाँ। तो आप लोग मौके पे देखे हैं? हाँ, फिर हम गए देखे वहाँ, तो वही थे। तो किस तरीके उनकी हालत थी? उसी तरह थी, एक जूता उतरा हुआ था, लेटे पड़े थे, मतलब एक हाथ ऊपर मतलब टेढ़ा था, एक हाथ सीधा पड़ा हुआ था, यहाँ गले में थोड़ी मतलब तार की जैसे कोई फांस लगा दी जाए ऐसे उनकी निशान बना था, बस हो गया। फिर हम यहाँ चले आए तो बाबू जी लोग गए, फिर हम घर में यहाँ देखने उखले लगे। मानिकपुर में एक मनोज मिश्रा नामक लड़का है, इसकी सड़क किनारे लाश मिली है। जो जानकारी हुई पता चला कल 1 बजे के आसपास अपने घर से निकला था, इसके बाद वो घर वापस नहीं आया। इसमें छानबीन की जा रही है, इसमें 2 संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको पकड़ने के लिए हमारी टीम गई है, और इसके बाद पूरी छानबीन के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। उसके गले पे रस्सी से गला दबाने के पूरे निशान पाए गए, इससे स्पष्ट है कि उसके रस्सी से गला घोट के हत्या की गई है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने।